फिर ये माइक कैसे लगेगा, फिर ये कथा कैसे होगी? कोई ना कोई तो वो जरूर है। मैं हमेशा कहता हूं आप अपने देने वाले रास्ते खोल के रखो, क्योंकि जब तक आप कुछ प्रयास करते रहोगे तब तक धर्म होता रहेगा, और जब आप देने का प्रयास बंद कर दोगे तो धर्म बंद हो जाएगा। हालांकि मेरी और आपके यहां बंद हो जाएगा, हर जगह थोड़ी बंद हो जाएगा। हम सब चाहते हैं धर्म हो, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से धर्म हो। अरे मेरी वजह से होना चाहिए ना, हम सबकी वजह से होना चाहिए। हम सबकी आहुतियां लगनी चाहिए धर्म में। जब भी ऐसे कोई आयोजन हो तो मेरी आहुति लगे, चाहे उसमें $2 की लगे, चाहे ₹2 की लगे, और $2 भी भगवान ने दिए हो तो बोले तन की सेवा की लगे, अपना तन लगाओ। लेकिन धर्म में सेवा जरूर करो, आप सबसे आग्रह। और सारे धर्म करते हैं, जितने भी और लोग हैं ना, वो सब अपने अपने धर्म के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। हम ही लोग ऐसे हैं जो हम लोग देखते हैं कई बार से 2-3 लोग रह जाते हैं बाद में कथा के बाद, वो लोग उठाते रहते हैं, बाकी का प्रसाद लेके भोजन पाके सीधे चले जाते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट, अगर आप करने लायक नहीं है तो मत करो, लेकिन जो करने लायक है उनको करना चाहिए। सेवा करो भाई, सेवा से शरीर थोड़ी कमजोर होगा। तो बंधु राजा बलि को रोकना चाह रहे हैं शुक्राचार्य, पर कहा नहीं दूंगा, और देने लगे। और भगवान ने पनिशमेंट दी किनको? शुक्राचार्य जी को, उनकी आंख फोड़ दी। क्यों फोड़ दी? बोले एक तो तुम अच्छा करते नहीं और कर रहा है कोई, तो उसे रोक रहे हो। भगवान ऐसे लोगों को जरूर पनिशमेंट देता है जो अच्छे कर्म करने वाले को रोकते हैं। एक अपराध हम तो नहीं करते, दूसरा अपराध हम किसी को रोक रहे हैं। और जब हम किसी को रोक रहे हैं तो आपको पता भी नहीं कि आप अधर्म कर रहे हैं। बहुत से लोग इसकी उदाहरण, हम तो महाराज रोक रहे थे कहीं गलत जगह पर ना, कौन तुम क्या डिसाइड करोगे गलत क्या है सही क्या है? तुमने जब एक अच्छा उद्देश्य संकल्प मन में लिया और उसके लिए तुमने दे दिया, तो तुम्हारी तरफ से उसी संकल्प में लगा और तुम्हारे को फल मिल गया। भगवान से बड़ा तो चलिए दुनिया में कोई नहीं है। राजा बलि का सब कुछ ही छीन लिया बेचारे का, बताओ इससे बड़ा चलिया होगा कोई? पर राजा बलि, और शुक्राचार्य जी ने तो बता भी दिया कि ये दानी नहीं है, ये वो ब्राह्मण नहीं है जिनको तुम समझ रहे हो, सब कुछ हरण कर लेंगे, इसके बावजूद भी दान देने की क्षमता देखिए। बोले लीजिए महाराज, दो ही लोग, दो जितना भी था भगवान ने दो ही चरण में सब कुछ नाप लिया। अब भगवान बोले तीसरा चरण कहां रखूं? अगर संकल्प पूरा है पाप लगे तो जितना संकल्प किया पूरा होना चाहिए, बता अब कहां रखूं? तो राजा बलि दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु आप एक बात बताइए, दान बड़ा है कि दानी? दानी बड़ा है। जब चरणों में लेट गए, दो पग में आपने मेरे दान को नापा है, एक पग में आप मुझे नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा हो गया। बोलो राधे राधे। तन मन धन और जीवन इसको कहते हैं। राजा बलि एक ऐसा दानी है जिसने तन भी दिया, मन भी दिया और धन भी दिया। जी इसका क्या मतलब हुआ? मैं कथा के बाद अगर बताऊं तो चलेगा? नहीं मैं अभी भी बता सकता हूं, वैसे अगर आप कहें तो अभी बता दो। आइए मैं आपको बताता हूं, ये सच है। हमारे यहां कहा जाता है गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु की बात आज्ञा का पालन करना धर्म है। लेकिन 2-3 प्रसंग ऐसे आते हैं, जैसे बड़े भाई की बात का पालन करना धर्म है, लेकिन भागवत में धर्म का वर्णन नहीं है, परम धर्म का वर्णन है। सत्यम परम धीमहि, किसका वर्णन है? परम धर्म। एक होता है धर्म, एक होता है परम धर्म। अब धर्म है कि आप गुरु जी की बात मानो, लेकिन गुरु जी की बात आप मानते किसके लिए हो? धर्म वही तो धर्म है जो आपको भगवान तक पहुंचा दे।
और वहां गुरु जी भगवान तक नहीं पहुंचा रहे, वहां गुरु जी माया को बचाने में लग गए। गुरु जी की बात सही है कि गुरु जी की बात मानो वो धर्म है, लेकिन अगर माया की प्राप्ति के लिए गुरु जी कह रहे हैं और मेरा ईश्वर सामने खड़ा है, और ईश्वर सामने खड़ा है तो गुरु की बात न मानना ही परम धर्म है। धर्म है गुरु जी की बात माने तो, गुरु जी की बात मानेंगे तो क्या बचे, बोले माया, माया बच गई, सेव हो गई। लेकिन गुरु जी की बात नहीं मानी तो सेवा किसकी हो रही है, माया की नहीं, मायापति की। और गुरु जी का लक्ष्य ही होता है अपने शिष्य को माधव के चरणों तक पहुंचाना। लक्ष्मण भी हमेशा राम की बात मानते हैं, हमेशा, लेकिन एक दिन नहीं मानी। कब? वो तो मानी थी, लोग तो गए थे वहां, अब क्या करें, वो तो माता जी ने कह दिया, तो पिताजी से बड़ा अधिकार माता जी का होता है, हाँ जी कि ना जी। तो वहां बाप लक्ष्मण ने उल्लंघन नहीं किया, राम जी ने आज्ञा दी रहना तो रहे, जब सीता मां ने कहा जाओ तो फिर मां की बात मानने के लिए चले गए, वहां उल्लंघन नहीं है आज्ञा का। आज्ञा का उल्लंघन किया जिस समय राम जी वन को जा रहे, राम जी ने कहा नहीं तुम यही रहो, भरत और शत्रुघ्न घर पे नहीं है, मेरे जाने का पिताजी को दुख है और तुम जो है यही रहो। उस समय राम जी की बात नहीं मानी, बोले तुम अपनी बाणी धर रखो, मैं आपके साथ चलो। क्यों? राम की आज्ञा का पालन करना धर्म है, लेकिन राम की आज्ञा का उल्लंघन, वो भी राम जी की सेवा के लिए करना, ही परम धर्म है। ये परम धर्म है। मुझे राम की सेवा करनी है, आप 14 वर्ष कष्ट पाई और आपको मैं अकेला छोड़ दूं और मैं बहनों में आनंद लूं, नहीं प्रभु, नहीं, मैं आपकी इस आज्ञा को नहीं मानूंगा। और सच्चा शिष्य, सच्चा भक्त, सच्चा प्रभु प्रेमी अपने आप को कष्ट दे सकता है, लेकिन अपने प्रभु को, अपने गुरु को, अपने बड़ों को कभी कष्ट नहीं देता, चाहे उसके लिए वो कभी स्वीकार ही अधर्मी क्यों करे, वो अधर्म भी कर बैठता है। हाँ जी कि ना जी। आई होप कि आपको ये मेरी ये शंका आपकी समाधान। तो राजा बलि ने वहां पर गुरु जी की बात न मानकर ये अपने प्रभु की सेवा की, धर्म की, परम धर्म की सेवा करी। आज का कलयुग का व्यक्ति धर्म की सेवा करने से दूर भागता है, और राजा बलि धर्म की सेवा के लिए अपने गुरु के वचनों को इग्नोर कर देते हैं। आप सबसे मेरा एक ही आग्रह है, धर्म मेरे जीवन का नहीं, मेरे आत्मा का आभूषण है, और जो आभूषण वगैरह है वो मेरे शरीर के आभूषण है, वस्त्र हो, श्रृंगार हो, ये मेरे शरीर का आभूषण हो सकते, मेरी आत्मा का आभूषण नहीं हो सकते। आप कितने भी सुंदर वस्त्र पहन लीजिए, उससे आपका शरीर तो सुंदर दिखेगा पर आपकी आत्मा सुंदर नहीं होगी। आपकी आत्मा का श्रृंगार सिर्फ धर्म है। तो जितना आप और हम ध्यान देते हैं अपने तन को सजाने में, उतना ही हम सबको ध्यान देना चाहिए अपनी आत्मा को सजाने में। और आत्मा सिर्फ धर्म से सस्ती है मेरे भाई बहन, सिर्फ धर्म से सस्ती है। तो आप अगर धर्म से इसको सजाएंगे तो मुझे लगेगा बहुत अच्छा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो राजा बलि ने अपना तन मन, आप लोगों के पास में तीन चीजें मैं हमेशा कथा में बोलता हूं, अगर आप कहें तो बोल दूं, यहां भी बोलूं, तीन चीजें जीव के पास सबसे कीमती, तन मन और धन। दोबारा बोलिए, तन मन और दुनिया में तुमसे क्या चाहिए, कोई भी हो तुम्हारी दो चीज चाहिए उसे, तन और धन। मन किसी को नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए मन, ये भक्ति बता रहा हूं मैं आपको, हमें आता नहीं है, मैनेज करना नहीं आता, इसलिए हमारा स्वर्ग और नर्क सब बर्बाद हो जाता है। मैनेज करो, डिसाइड करो, दुनिया को तुम्हारा मन नहीं चाहिए, पति को तुम्हारे हाथ की रोटी अच्छी लगती है तो वो मन से बनेगी कि तन से, नहीं मन से नहीं बनती माता जी, उसके लिए आपके हाथ चाहिए, उसके लिए आपका विवेक चाहिए कि आप बना दीजिए। झाड़ू लगानी है, मन से लगाओ या वैसे लगाओ, झाड़ू लगेगी लगेगी। गद्दे लगा बिछाने हैं, उनका फोन सुनना है, कैसे भी सुनो, उनके काम के आंसर दे दो, हो जाएगा। लेकिन मन, मन आप किसी को जरूरत है आपसे कुछ,
आपकी मदद की, आपकी कार चाहिए उसको, और आप कह दो भाई मैं तेरे को, मन तो बहुत है कि मैं दे दूं, पर मुझे पता है तू अच्छा ड्राइवर नहीं है इसलिए मैं तुझे अपनी कार नहीं दूंगा, लेकिन मैं मन से देना चाहता हूं। आप बताओ आप देना चाहते हो, खुश होगा आपसे? आपके मन में तो था कि मैं दे दूं उसकी हेल्प करूं, लेकिन वो अच्छा ड्राइवर नहीं, मैं ठोक देगा मेरी गाड़ी जाके, आपने मना कर दिया, तो क्या हुआ? आप दे दीजिए, खुश हो जाए। इस दुनिया को तुम्हारी दो चीजें चाहिए, एक तुम्हारा धन चाहिए, एक तुम्हारा तन चाहिए। तन चाहिए काम करने के लिए, धन चाहिए अपना काम चलाने के लिए। Am I right or wrong? लेकिन मेरे ठाकुर जी को ना तेरा धन चाहिए ना तेरा तन चाहिए, सबसे पहले मेरे ठाकुर जी को तेरा मन चाहिए। क्या चाहिए? सारा काम हो जाएगा। तन और धन दुनिया को दे दे, मन परमात्मा को दे दे, हो गया बेटा पार। लेकिन सच यह है कि मन दुनिया में है, यही हमारी मुसीबत है। ये मन नहीं निकल रहा है इस दुनिया से, ये हमारा झंझट है, सबसे बड़ा झंझट है, समस्या है। खूब कह लेते हैं, खूब प्रवचन सुन लेते हैं, खूब कथाएं सुन लेते हैं, इसके बावजूद भी आज तक हमारा मन इस माया से निकला नहीं। कथा मन से सुन लो, चंदा की फिक्र मत करो, चंदा निकला है ना, हम अपने आप छोड़ देंगे कथा, चिंता मत करो। और जब तक नहीं निकले, जब तक कृष्णचंद्र का प्राकट न हो जाए। अब याद आ रही चंद्रमा की कि नहीं? जो मन से सुन रहे हैं उनको याद नहीं आ रही, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो बंधु, राजा बलि ने तो तीनों के तीनों भगवान को अर्पण कर दिए। अब बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं, भगवान को धन की जरूरत नहीं, तो आप लोग क्यों प्रवचन करते हो दान दो दान दो? भगवान को तो तेरे मन की भी जरूरत नहीं, भगवान को तो तेरी भी जरूरत नहीं है, भगवान को तो किसी चीज की, भगवान तो देता है लेता नहीं है। फिर हम क्यों देते हैं महाराज, हम क्यों पागल बन रहे? बोले इसलिए देते हैं, आप गंगा में डुबकी क्यों लगाते? गंगा को जरूरत है, क्यों लगाते डुबकी? स्कूल क्यों जाते? स्कूल को जरूरत है तुम्हारी, तुम्हारी जरूरत है स्कूल को कि तुम्हें जरूरत है स्कूल की? जॉब पे क्यों जाते हो? तुम्हारी जरूरत है जॉब को, वहां तो तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारी जरूरत है। हम दान, भगवान को हमारी जरूरत नहीं है, हमें भगवान की जरूरत है। हम दान इसलिए भगवान के लिए नहीं करते। हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने हमें समझाया कि दान करोगे, काम करोगे, भक्ति करोगे, हमारे काम इसलिए हम करते हैं। और अगर हमें यह ना समझाया जाता तो हम तो कभी जानते नहीं हैं भगवान के। भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो बोले भगवान को नहीं हमें जरूरत है। जो भी वस्तु भगवान के चरणों में अर्पित की जाती है वो वस्तु पवित्र हो जाती है और कई गुना होकर वापस मिलती है। उदाहरण के तौर पे ऐसे कई प्रसंग हैं कि भगवान को अपने सुकृत जनकपुरवासी मिथिलावासियों ने दिए, अपने सुंदर धर्म के कर्म दिए भगवान को। जीवन में कभी भी अपने सुंदर कर्म याद नहीं करने चाहिए, कभी भी नहीं। और सुंदर कर्मों को जब आप याद करते हो उनका प्रभाव तो कम होता ही है, साथ में आप कह देते हो ना इसका फल से मिल जाए, तो उसी को मिलता है आपके बोलने भर से। तो आपकी डायरी में से वो काम गया, उसकी डायरी में रजिस्टर्ड हो गया। लेकिन भगवान को अपने सुकृत अर्पण करने से वो हमारे सुकृत भी कई गुना हो जाते हैं। इसलिए मिथिलावासियों को भगवान श्री राम जमाई के रूप में मिले, बोलो राधे राधे। वरना भगवान किसी को जमाई के रूप में मिल जाए आसान है क्या? बहुत डिफिकल्ट है। तो बंधु, भगवान राजा बलि को बहुत देते हैं। राजा बलि ने अपने गुरु की बात भी न मानकर राजा बलि को छल लिया, और जब उनको छला तो भगवान ने बदले में सुतल लोक का राज्य दिया। अब यहां से आगे हम थोड़ा सा प्रसंग आगे बढ़ाएंगे और प्रसंग लेके चलेंगे भगवान श्री राम जी की ओर। थोड़ा सा प्रसंग भगवान श्री राम का सुना के भगवान श्री कृष्ण महोत्सव की ओर हम और आप सभी बढ़ेंगे। तो जब भगवान के जन्मोत्सव की ओर बढ़ेंगे तब तक चंद्रमा शायद अपनी जगह पर आ जाए और आपका दोनों कार्य पूरा होगा। भगवान श्री राम आज हमें अपने बाल गोपालों को सिखाना चाहिए भगवान श्री राम जैसा। अब राम तो हम नहीं बन सकते, पर राम के अगर दो तीन गुण भी हमारे बच्चों में आ जाए, जैसे कि अपने माता पिता का सम्मान करना, अपने धर्म का सम्मान करना। आज हमारे धर्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे हिंदू धर्म में एक है कि हम लोग अपने माथे पर तिलक लगाना भी अच्छा नहीं समझते। हमारे यहाँ राक्षस भी तिलक लगाते थे, और अब हमारे यहाँ जो अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी कहते हैं वो भी तिलक नहीं।
हमारा विचार शुद्ध होता है, और जब से जीव ने तिलक का परित्याग किया है तब से उसका विचार दूषित हो गया। आप अनुभव करिए, हम लोगों ने तिलक का परित्याग कब से किया, 20-25 साल हो गए, 30 साल हो गए होंगे तब से हमने तिलक लगाना कम किया है, और 30 सालों में देखिए कितने विचारों का कितना बड़ा बुरा दौर इस समय गुजर रहा है, कितना बुरा दौर चल रहा है अभी विचारों का। उन विचारों का ही प्रभाव है कि आज बेटे के साथ बेटी सुरक्षित हुआ, पति के साथ बाप के साथ बेटी सुरक्षित हुई, घर में बेटी सुरक्षित हुई, वजह कुविचारों की। और कुविचार आते कब है, जब हमारे सब विचार समाप्त हो जाते हैं। सब विचार कब समाप्त होते हैं, जब हम अच्छे लोगों का संग नहीं करते, अच्छे कर्म नहीं करते। अच्छा कर्म करना, माथे पे तिलक लगाने से सब विचार उत्पन्न होते हैं। कौन लगाता है आजकल, बोलिए, किसी को बोल दो वो आप ही को छोड़ देगा, अगली कल वो कथा में नहीं आए। ये लोग ज्यादा बोलते, अरे भाई मेरा कुछ नहीं जाना है, आप क्यों नहीं समझते इसमें, मैं आप लोग सब तिलक लगाइए, आप सब लोग अच्छे बन जाएंगे, आप सब बहुत महान बन जाएंगे, मेरा क्या फायदा हुआ इसमें, सारी अच्छाइयां मुझे ही दे दोगे क्या। अब देखो ना, कोई बूढ़ा तिलक लगाता है ना जवान कोई तिलक लगाता है। हमारे हनुमान जी तिलक लगाते कि नहीं, बोलो लगाते कि नहीं, राम जी लगाते, कृष्ण जी लगाते, रावण लगाता है, कंस लगाता है, सब लगाते हैं। अब आपको कहेंगे महाराज फिर रावण तिलक लगाता था उसके कोई विचार कैसे होंगे, पूछो कैसे कहोगे उसके कोई विचार है। आप रावण के एक अंश भी हो गया, 1% भी हो रावण के, सर काट काट के शिव जी को चढ़ा दिए, तुम ही काट के दिखा। रावण जैसा तपस्वी, रावण जैसा प्रकांड विद्वान हो सकता है? कंस भी शिव का परम भक्त था, जितने भी दुष्ट हुए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की उसने। ये तो पूर्ण वरदान की बदौलत हम सब भक्तों को सुख देने के लिए भगवान लीला करते हैं। इस धारा भी बाबूजी ने कहा ना, धर्म समझना बहुत मुश्किल काम है। सही बात कही बाबूजी ने, बहुत डिफिकल्ट काम है धर्म को समझना। रावण है कौन, कंस है कौन, भगवान का द्वारपाल, जय और विजय जान सबको, वो बड़ी बात थोड़ी। लेकिन तिलक लगाता है, तपस्या करता है, भजन करता है। हम न तिलक लगाते ना भजन करते ना तपस्या करते ना सत्कर्म करते हैं, बस खाओ पियो ऐस करो, खाओ पियो ऐस करो, मर जाएंगे किसी काम नहीं आएंगे, हीरा जन्म गवाएंगे, फिर सिर धुन धुन बस पाएंगे, हाथ में कुछ भी आएंगे, समझे। तो मेरे बंधु, मानव जीवन का मोल समझिए। एक दिन बिना एक आंख खोले आप जिंदा रह के दिखाइए, एक आंख बंद करके चलिए पूरे दिन, आपको पता चल जाएगा कि एक आंख न होने का दुख क्या है। एक पैर पे एक दिन चल के देखिए, फिर पता चलेगा कि एक पैर न होने का क्या कष्ट है। सब मिल गया है तो भगवान का उपकार नहीं मानते हैं, इसलिए दुख की बात है। तो आप सबसे मेरा आग्रह, भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर हम लोग चले, थोड़े बहुत चले, अपने बच्चों को रामायण पढ़ाएं, उनको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करवाएं, ये मेरा आग्रह आप सबसे है, मैं सिर्फ आग्रह कर सकता हूँ। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 551,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक
मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094444453 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराष्ट्र द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 0114756400008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर dn/thakur/g। फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT।